हेलो फ्रेंड्स, यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे थाईलैंड और मलेशिया के बीच में होने वाले अगले T20 मैच की। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच की जो मैच होगा उसकी टीम मैं आपको दे चुका हूं, आप मेरे यूडीसीआरए चैनल पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ और कि मेरी वीडियो से कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर है कोई 10,000 जीत रहा है, कोई 4,000 जीत रहा है। आप कमेंट में चेक भी कर सकते हो, लैंसा शायर और यॉर्कशायर के बीच में जो मैच हुआ उसकी एक कमेंट बॉक्स में मैंने वीडियो डाली थी, उसके कमेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं, आप रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं सबसे अलग टीम बनाता हूँ, मेरा टीम बनाने का तरीका भी सबसे अलग है। मैं पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस जज करता हूँ, उसके बाद ही टीम देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे टीम की। फ्रेंड्स, टीम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन पे। आप कहेंगे क्रिस्टीना बैरेट को क्यों लिया है, इसे तो केवल 36% लोगों ने लिया है, जबकि दूसरी नानापत को 62% लोगों ने लिया। तो फ्रेंड्स, इसका भी रीज़न है, क्रिस्टीना बैरेट ओपनिंग करते हैं। आपको मैं स्कोर दिखाता हूँ, मलेशिया का ये देखिए, बैरेट जो है ओपनिंग करती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी हमारी टीम की। देखते हैं थाईलैंड का स्कोर कार्ड, ये देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी है वो 2 डाउन पे आती है। आप चाहे तो इन्हें भी ले सकते हो, बिकॉज बैटिंग इनकी भी आएगी। कल के मैच में फ्रेंड्स, एक बात आप ज़रूर याद रखना, दोनों टीमों में से कोई भी टीम 20 ओवर तो नहीं खेल सकती। इसका मतलब यह है कि दोनों के 10-10 विकेट्स गिरेंगे, तो मतलब यह निकलता है कि हमने दोनों की बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज कल पॉइंट सिर्फ विकेट्स के होंगे फ्रेंड्स, बिकॉज दोनों टीमों का हर बार कोलैप्स ही हुआ है और कोई भी टीम पूरे ओवर नहीं खेल के जा रही। तो ये फ्रेंड्स माइंड में रखना कि कल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स कवर करने हैं, तभी हमारा रैंक अच्छा आएगा, और मैंने भी इसमें यही किया है। नटकन चंतम थाईलैंड की, हमने ये प्लेयर को लिया है। थाईलैंड का मैच निकालते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ओपनिंग करती है, तो जितने भी स्कोर यह बनाएगी हमारे लिए अच्छी बात होगी, इसीलिए हमने लिया है। दूसरे प्लेयर के पास चलते हैं, चाय भाई, ये एक और ओपनर है फ्रेंड्स थाईलैंड की हुआ, इसीलिए हमने लिया। और मलेशिया के माँ अल्सा को हमने लिया है, मलेशिया का मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, चाहे 0 पे आउट हुए लेकिन ये अच्छी बैट्समैन है, इसी वजह से मैंने इसे लिया है फ्रेंड्स, बिकॉज एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी प्लेयर की जजमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसे लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स देखने की। ऑलराउंडर पे चलते हैं, टिपोच फ्रेंड्स सबसे जो इनका एक अच्छा प्लेयर है टिपोच, इसीलिए मैंने इसे लिया है। टिपोच का मैं आपको बताता हूँ, थाईलैंड की प्लेयर है, ये देखिए फ्रेंड्स कप्तान है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर यह बैटिंग करने आती है। बैटिंग का वैसे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज बैटिंग सबकी आएगी, टिपोच की भी बैटिंग फुल आएगी। टिपोच एक तो ये बैटिंग 6 नंबर पर आती है और बॉलिंग में ये 4 के 4 ओवर करती है। विकेट्स फ्रेंड्स, कल विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे, मैं आपको बता दूं, इंडिया की टीम स्ट्रांग है इसीलिए इन्हें विकेट्स नहीं मिल रही थी। कल के मैच में विकेट्स गिरेंगी ही गिरेंगे और 20 की 20 विकेट्स गिरेंगी, इसीलिए हमने टिपोच को लिया है। और दूसरी हमने शाशा आजमी को लिया है, बैटिंग ऑर्डर इनका भी मैटर नहीं करता, 4 ओवर ये पूरे करेंगे और बैटिंग भी इनकी पूरी आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, मलेशिया की प्लेयर है शाशा आजमी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आती है, कौन सा नंबर है इसका, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये भी आती है और 4 के 4 ओवर ये करती है फ्रेंड्स। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए इकॉनमी, देखिए एक फ्रेंड 3 का इकॉनमी है, 1 विकेट भी लेके गई है, लेकिन कल एक नहीं, कल ये 2-3 विकेट्स लेके जाएगी, इसीलिए हमने शाशा आजमी को लिया है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें तो बचतम, तो कुछ फैंटसी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये नहीं खेलेगी, लेकिन फ्रेंड्स ये पक्का खेलेंगी, आप मुझ पर बिलीव रखें। अगर कोई प्लेयर 1 डाउन पे आके 4 ओवर कर रहा है तो उसका बैटिंग ऑर्डर या फिर उसे ड्रॉप कोई भी टीम नहीं करेगी, स्पेशली तब जब हार रही हो। हम बता देते हैं आपको फ्रेंड्स, हमारी ये थाईलैंड की प्लेयर है, थाईलैंड का मैच ओपन करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट इसने लिया है, और बैटिंग में भी देख लेते हैं, ये देखिए 21 रन ये लगा के गई है, तो समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर मुझे लगता है इसी का होगा। तो ऐसे प्लेयर को कोई भी टीम बाहर नहीं करेगी, तो आप इसे निश्चिंत होकर ले सकते हैं। जुमिका आजमी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में चलते हैं फ्रेंड्स, हमने लिया है पाडुंग लर्ड को लिया है, बिकॉज इसका बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा है फ्रेंड्स, और
बॉलिंग भी है, 4 के 4 ओवर करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थाईलैंड की ये प्लेयर है, ये देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर पर ये बैटिंग करने आ रही है। बॉलिंग देखते हैं, स्कोर फ्रेंड्स स्कोर मैटर नहीं करते, कल हो सकता है बॉलिंग लाइन पर कमज़ोर हो तो ये थोड़े बच्चे स्कोर कर भी जाए। 4 के 4 ओवर कर रही है और फ्रंट लाइन बॉलर है फ्रेंड्स, इनका सेकेंड ओवर इसका आता है तो इसीलिए हमने इसे लिया है। उसके बाद मिल गया वांग पाका लिंग प्रसर्ट को फ्रेंड्स, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स इसकी, लेकिन पॉइंट्स इसके भी आ रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। थाईलैंड की बॉलर है, ये देखिए फ्रेंड्स 3 ओवर में 2 विकेट्स ये लेके गई थी और एज ए मुझे लगता है एक्स्ट्रा बॉलर आई थी, लेकिन विकेट्स अच्छी ली लेके गई थी तो अगले मैच में 4 के 4 ओवर से मिलने के चांस है, इसीलिए मैंने इसे लिया है। अगला बॉलर देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इन्ना हजीम शाह हाजिमा, दोनों मैचों में एक एक विकेट इसे मिला है तो इसीलिए हमने इसे लिया है। नूर जाकिरा, इसे भी कह रहे कि ये नहीं खेलेगी, लेकिन फ्रेंड्स आप निश्चिंत होकर ले लीजिए, ये पक्का खेलेगी, आप इन्हें ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लीजिए, कल का मैच बॉलर्स का ही रहेगा, कोई भी टीम में इतनी मुझे नहीं लगता काबिलियत है कि 20 के 20 ओवर खेले, तो आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि मैं प्रीव्यू कभी कभी भूल जाता हूँ दिखाना, तो आप इजीली देख सकते हैं दोनों टीमों के मेरे पास। पहले तो हम बात करते हैं जो हमने लिया है, विकेट कीपर कृष्णा बैरेट है, मलेशिया की है, ठीक है फ्रेंड्स प्रीव्यू दिखाते हैं हम आपको। मलेशिया का कौन कौन है, 1 2 3, तीन बैट्समैन मलेशिया के हैं और बॉलर कौन कौन है मलेशिया के फ्रेंड्स, 1 2 3, तीन बॉलर मलेशिया के हैं। जबकि बात करें थाईलैंड की, थोड़ी सी इससे अच्छी टीम है थाईलैंड। थाईलैंड के क्या क्या है हमारे पास, थाईलैंड के 4 बैट्समैन हैं हमारे पास फ्रेंड्स और 4 ही हमारे पास बॉलर हैं, बिकॉज 2 ऑलराउंडर ले गए थे हम थाईलैंड के। ये देखिए फ्रेंड्स कप्तान मैंने बॉचम को इसीलिए बनाया बिकॉज 1 डाउन पे आ रही है और 4 के 4 ओवर कर रही है। शाशा थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आ रही है लेकिन बॉलिंग ये ज़्यादा अच्छी कर रही है, शाशा को इसीलिए मैंने वाइस कप्तान बनाया और बॉचथम को मैंने कप्तान बनाया है। तो फ्रेंड्स मेरी टीम के साथ जाइए, आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और आप अच्छी कमाई भी करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जैसे ही कोई अपडेट आती है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देते हैं, तो आप मेरा कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप भी ये अपडेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।